नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं WhatsApp की एक कमाल की ट्रिक के बारे में, जिसकी जरिए आप अपनी प्राइवेट चैट्स को आसानी से सेव करके रख सकते हैं, ताकि उसे कोई देख ना सके, उसे आप छुपा के रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो सबसे पहले आप अपना WhatsApp खोल लीजिए। WhatsApp खोलने के बाद आपको यहाँ पर जिसकी भी चैट को छुपाना है उस पर आप ऐसे क्लिक करके रहिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करके रहेंगे, आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये चैट है यहाँ से छुप जाएगी। ये चैट डिलीट नहीं हुई है, आप जब भी चाहें इसे वापस रिकवर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं अभी बताऊँगा। पहले आप ये देख लीजिए कि इससे क्या होगा कि अगर आपने किसी के साथ प्राइवेट चैट की है और आप किसी और को मोबाइल दे देते हैं, तो वो आपकी चैट को देख नहीं पाएगा कि क्या बात हुई है, कैसे हुई है या किससे बात हुई है। आप देख रहे हैं कि वो चैट यहाँ से गायब भी हो चुकी है, ठीक है। मैं उसको अब वापस लाने का आपको बताता हूँ। आपको वापस लाने की कुछ नहीं करना है, आपको सबसे नीचे जाना है, जितनी भी आपकी चैट्स हुई हैं उन सब के नीचे जाना है, और वहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आर्काइव्ड, ठीक है। आर्काइव्ड मतलब इससे क्या होगा, ये आपकी छुपी हुई चैट है। जब भी आपको वो चैट वापस लानी है तो आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है, आपको ये वाली चैट यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। इसको अगर आपको वापस वहीं पर चाहिए, ठीक है, वापस वहीं पर लाना है, तो आपको इस पर क्लिक करके रखिए और यहाँ पर आपको ये फिर से ऑप्शन दिख जाता है। इसको आप यहाँ से जैसे ही ऑन कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, तो वापस आपकी ये वाली चैट यहाँ पर वापस आ चुकी है। ये वाली चैट आप वापस ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चैट को प्राइवेट कर सकते हैं या उसे प्राइवेट रख सकते हैं, ताकि कोई उसे देख ना सके, वो भी एक ट्रिक के द्वारा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा।